16 खूब धमाल कर रहा है। जहां एक तरफ शो में लड़ाई झगड़ों ने घर के माहौल को गर्माना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ घर में कई ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जिनके बीच में प्यार की खिचड़ी भी भरपूर पकती नजर आ रही है। घर में ऐसी जोड़ियां देखी जा सकती हैं जिनके बीच में प्यार का एंगल सरेआम देखा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इन जोड़ियों की असली कहानी क्या है? क्या वाकई ये असली प्यार में है या फिर महज पॉपुलैरिटी पाने का ये नजरिया है? इस लिस्ट में पहला नाम है गौतम विज और सौंदर्या शर्मा का। घर में गौतम विज और सौंदर्या शर्मा की नजदीकियां काफी देखने को मिल रही हैं। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये गेम का हिस्सा है, क्योंकि गौतम पहले ही दिन से सौंदर्या के साथ कनेक्शन बनाने की भरपूर कोशिश करते नजर आए। लेकिन हाल ही के एपिसोड में सौंदर्या ने शालिन के गाल पर किस किया, जिसके बाद गौतम बिना देर किए शालिन से लड़ाई करने पहुंच गए। शालिन भनोट ने दावा किया कि उनका और सौंदर्या शर्मा के बीच में कोई गंभीर रिश्ता नहीं है, जिसके बाद गौतम का गुस्सा शांत हुआ। गौतम ने जिस तरह से इस पूरे इंसिडेंस पर रिएक्ट किया, उससे साफ पता चल रहा है कि गौतम सौंदर्या से वाकई एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने को लेकर सीरियस है। हालांकि सौंदर्या की तरफ से अभी ऐसा कुछ खास कनेक्शन तो नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये कनेक्शन कुछ गहरा होता जरूर नजर आ सकता है। सुंबुल और शालिन। बिग बॉस के घर में जिस दो कंटेस्टेंट ने अपने लव एंगल से सबसे पहले जनता को हैरान किया, वो थे सुंबुल और शालिन ही। दोनों जिस तरह से एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करते हैं, वो लोगों को भी हैरान कर रहा है, क्योंकि सुंबुल और शालिन में उम्र का काफी बड़ा अंतर है। शालिन के साथ उनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी नजर आई। उनकी इस दोस्ती पर टीना दत्ता समेत कई कंटेस्टेंट ने सवाल भी खड़े कर दिए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि खुद सलमान ने भी सुंबुल और शालिन की दोस्ती पर सवाल उठाए। शो के कंटेस्टेंट समेत जनता भी इल्जाम लगा रही है कि दोनों सिर्फ नाज को कॉपी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से सुंबुल की तरफ से शालिन को लेकर रिएक्शन देखने को मिलता है, फीलिंग्स देखने को मिलती है, उससे सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि शो के कंटेस्टेंट को भी लग रहा है कि सुंबुल के मन में शालिन को लेकर फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही सीरियस है। और ये तब और ज्यादा साफ हुआ जब सौंदर्या ने शालिन को किस किया, जिसके बाद सुंबुल काफी इमोशनल तक नजर आए। हालांकि शालिन साफ कर चुके हैं कि सुंबुल उनसे काफी छोटी हैं और वो उन्हें लेकर ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। हालांकि सलमान की हिदायत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सुंबुल और शालिन का ये बॉन्ड जल्द ही नफरत में तब्दील होने वाला है, जिसमें दोनों अपनी अलग अलग गेम खेलते नजर आएंगे। शालिन टीना। हाल के एपिसोड को देखने के बाद जनता को शालिन भनोट और टीना दत्त के बीच में खास बॉन्ड दिखाई दिया। उन्हें एक साथ समय बिताते और कई चीजों पर डिस्कशन करते देखा गया, जिसके बाद इनकी बॉन्डिंग सभी को खूब दिखाई दे रही है। वहीं शो की कंटेस्टेंट निर्विंद ने भी कहा कि उन्हें लगता है कि टीना के मन में शालिन को लेकर फीलिंग्स हैं। हालांकि कई मौकों पर दोनों एक दूसरे से लड़ते भी नजर आए। वैसे भी टीना इस बार के सीजन की काफी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नजर आ रही है। हो सकता है कि टीना के गेम का ही एक पार्ट हो। हालांकि जनता ऐसे कयास लगा रहे हैं कि आने वाले दिनों में टीना और शालिन की ये खट्टी मीठी दोस्ती किसी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में तब्दील होती जरूर नजर आ सकती है। और प्रियंका अंकित। प्रियंका और अंकित की केमिस्ट्री को उडानिया शो से ही जनता काफी पसंद कर रही है। वहीं अब शो में भी दोनों का बॉन्ड भरपूर देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जहां जाते हैं अंकित और प्रियंका साथ ही नजर आते हैं। शो के बाद रियल लाइफ में दोनों को एक साथ देखना जनता को काफी अच्छा लग रहा है। हालांकि अंकित शो में साफ कर चुके हैं कि दोनों बस एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि लोगों को इन दोनों की ये दोस्ती से कहीं ज्यादा ही नजर आ रही है। वेल, बिग बॉस का गेम तो अभी शुरू ही हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि किस जोड़ी का बॉन्ड वक्त के साथ और गहराता है और किसका वक्त के साथ टूट जाता है।